गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। दिस इज योर हिंदी पीरियड। बेटा, हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर टू का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर करेंगे। तो बेटा, आप सबको अपनी हिंदी लिटरेचर की क्लास वर्क कॉपी में ही वर्क करना है। ओके, आज की एक्सरसाइज है चैप्टर टू का क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास वर्क, डेट, लेसन नंबर और लेसन नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है चौथी स्त्री के बेटे में क्या गुण था। जो चौथी वाली स्त्री थे उसके बेटे में क्या गुण था, तो आंसर हो जाएगा चौथी स्त्री का बेटा जो था वो बिल्कुल सीधा साधा था, क्योंकि उन तीनों स्त्रियों के बेटे में कोई ना कोई गुण था। चौथी स्त्री के बेटा का क्या गुण था कि वो बहुत ही सीधा साधा था। तो चौथी स्त्री का बेटा बिल्कुल सीधा साधा था। तो चौथी स्त्री का जो बेटा था वो क्या था, वो बिल्कुल सीधा साधा था। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, बूढ़ी स्त्री ने किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया, और क्यों। ओके, आंसर होगा, तो बूढ़ी स्त्री ने किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया और क्यों बताया। तो आंसर हो जाएगा, बूढ़ी स्त्री ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। ओके बेटा, ये आपके टू क्वेश्चंस हो गए। कौन कौन से, चौथी स्त्री के बेटे में क्या गुण था, तो चौथी स्त्री का बेटा बिल्कुल सीधा साधा था। क्वेश्चन नंबर फोर, बूढ़ी स्त्री ने किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया और क्यों, तो बूढ़ी स्त्री ने चौथी स्त्री के बेटे को
सच्चा हीरा बताया। सच्चा हीरा वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। तो ये बेटा ये आपके 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज का होमवर्क जो है आपका, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन आंसर कराया है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, प्रश्न उत्तर याद करना। ओके, जो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर कराया है, दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको लर्न करना है। आपका हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।